हाय, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह सुबह आज इतना अच्छा धूप निकला है ना, और अभी ये सर्दी के मौसम में ये धूप ना पूरा मतलब ईस्ट की तरफ, मेरा बालकनी वगैरह मतलब जितना विंडो है सब कुछ ईस्ट की तरफ है, तो इसीलिए पूरा धूप अभी ना बेड तक आता है। तो मैं क्या कि बेकम धूपती नहीं है ना सो के, मैं पर्दा हटा दी और ये देखिए इसका उठ के बैठी है। कभी कभी ऐसे मजाक करती हूँ उसके साथ, देखो ना गुस्सा हो गई मेरी बेटी, गुस्सा हैप्पी हो ना। अबे आप लोगों को सामने बोल रही है हैप्पी, और बोल रही थी मम्मी मुंह के ऊपर पूरा एकदम सूरज जा रहा है, आप जल्दी पर्दा लगा दो। मैं बोली देखो आज 8:30 बज रहा है, ये देखिए पीछे 8:30 बज रहा है। मैं बोली आज उठ जा, आज 9 बजे मत उठना, आज 8:30 बजे तो उठ जा। तो उठ के भी बैठी है, अभी 5 मिनट बैठेगी फिर उतरेगी फिर मुंह धोएगी, और नील ऑफिस जाएंगे, नील ब्रेकफास्ट कर रहे हैं नील का निकलने का टाइम भी हो गया है। तो आज नील के लिए ब्रेकफास्ट में एक वो बीन्स आलू की सब्जी बनाई हूँ और रोटी, वो लेके जा रहे हैं और खा के जा रहे हैं। ब्रेड कल लाई थी तो ब्रेड बॉयल्ड एग ये सब खा के जा रहे हैं। आज बेखम टिफिन में पास्ता ले जाएगी, उसके लिए कुछ वेजीज काट के रखी हुई यहाँ पे, ऑनियन कैप्सिकम और कैरेट, और यहाँ पे पास्ता बॉईल हो रहा है। और नील के लिए जो टिफिन बनाई थी वो वाला, ये वाला सब्जी बीन आलू की सब्जी। दूध भी बॉईल हो गया इसलिए क्योंकि ब्रेकफास्ट में बेखम दूध रोटी खाऊंगी, और दूध रोटी खाएगी, उसका दूध रोटी फेवरेट है, दूध रोटी और उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल के, है ना। अभी एक रोटी खाती है ब्रेकफास्ट में, जैसे स्कूल रहता है ना तो कुछ भी दो थोड़ा सा अभी ब्रेकफास्ट करती है, 9 बज गया और क्योंकि वो 11:30 को पूरा लंच करती है तो इसलिए ब्रेकफास्ट करती है लेकिन बहुत कम करती है। चलो उस बेखम को ब्रेकफास्ट दे देती हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से फिर मिलूँगी। बेखम अभी ब्रेकफास्ट कर रही है और मेरा ब्रेकफास्ट है वही जो बीन्स आलू की सब्जी बनाई थी और रोटी। अभी हम लोग माँ बेटी नहा लिए, फिर उसके बाद आके बेखम का स्कूल का टिफिन रेडी कर रही हूँ। आज पास्ता बन रहा है, आप लोगों को सुबह में बताई थी, ये देखिए कच्चा पास्ता खा रही है, ये बोल रही है कि अच्छा है बहुत सारे बच्चे से खाते हैं मैं सुनी हूँ, लेकिन आज आंखों से देख भी लिया मेरा बच्चा ही खा रहा है। तो मैं कैसे बना रही हूँ ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो इसी के कारण मैं वीडियो बोली मैं बेखम को कि तुम मेरा आज वीडियो शूट कर दो, है ना। मेरी काम कैमरा मैन है जानते हैं हंस रही है तो चलिए मैं दिखाती हूँ। मैं जो वेजीज काट के रखी थी उसको हल्का सा मैंने फ्राई कर लिया, और इधर तो पास्ता मैं बॉईल करके रखी हूँ। अभी इसमें थोड़ा सा मैं रेड चिली सॉस दे रही हूँ, ये सोया सॉस का सीसी, इसका कैप खुल ही नहीं रहा है मेरे से, बहुत ज़्यादा टाइट हो गया है, तो मैं सोया सॉस भी डालती हूँ तो आज नहीं डाल पाऊंगी। अभी इसमें जाएगा ये टोमेटो केचप, ये थोड़ा सा ज्यादा करके डालती हूँ, और इसमें मैं नमक, जब वेजीज फ्राई कर रही थी तभी मैंने नमक डाल दिया, और अभी इसमें ये पास्ता मिला दूंगी। ये फिर अच्छे से इसको मिक्स करूंगी, ये खाने में टेस्टी लगता है, और ऊपर से थोड़ा सा ना काली मिर्च, व्हाइट पेपर मेरे पास है पाउडर, तो उसको मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दूंगी तो ये बहुत टेस्टी लगता है खाने में। ये थोड़ा सा व्हाइट पेपर पाउडर ऊपर दे दीजिए, बस इसको थोड़ा सा मिला लेंगे। ये हाई फ्लेम में बना रही हूँ मैं, और अब बन गया पास्ता। कल नील ये कुछ मफिन्स लाए थे, ये थोड़ा सा अभी खा ली है मेरी नन्ही सी गुड़िया। ये हाफ ले जाओगी या फुल दे दो, एक
कोई फ्रेंड्स फ्रेंड्स मांगे तो फिर देना पड़ेगा ना। हाँ फूल ले लो। चॉकलेट ले जाओगी हाँ। या वनीला? चॉकलेट। चॉकलेट हाँ। तो ये शॉर्ट ब्रेक में जा रहा है, ये हटा दूँ? हाँ हटा दो ये। चलो ये शॉर्ट ब्रेक हो गया तुम्हारा। ये देखो आप लोग, ये क्या हो रहा है? वो जो आधा बचा था ना उसमें से थोड़ा सा खा रही है अभी। बेटा 11:10 हो गया है, अब 10 मिनट में तुम खाना खाने बैठोगी। ठीक है, ज़्यादा मत खाओ, तुम्हारे लिए ही है, मैं एक खाऊंगी बस, बाकी सब तुम्हारे लिए है, एक एक दिन करके खाना, कोई बात नहीं। लंच आप लोगों से मैंने शेयर नहीं किया, एक्चुअली ज़्यादा कुछ बनाई नहीं हूँ, फिर भी दिखाई देती हूँ कि क्या बनाई हूँ। वो सुबह का जो बीन्स आलू की सब्जी है वो थोड़ा बचा हुआ था, राइस, और यहाँ पे एक फ़िश करी बनाई हूँ आलू डाल के, बस इसी में हो जाएगा। मेरा थाल देखिए कितनी बड़ी है, ये मेरा बचपन से आदत है, मैं बड़ी थाल में खाती हूँ, लेकिन अभी जितना मैं खाती हूँ ना इससे भी थोड़ा इतना सा खाती थी मैं, मतलब मेरा ये थाली जो देख रहे हैं ना मेरे शादी का सब ये सब सामान है, तो मैं जब भी खाती थी, मेरे घर में मायके में भी है एक बड़ा थाली लेकिन खाना इतना सा, और इधर उधर सजा के। मैं तो इतना सब कुछ नहीं बनाती हूँ, लेकिन मेरी मम्मी, मतलब क्या बोलते हैं, अभी भी मम्मी पापा दोनों रहते हैं, फिर भी वो लोग थोड़ा थोड़ा करके वैरायटी सब्जी ये सब बनाते ही है। मैं क्या काम चोर हूँ जैसे बोलते हैं ना, हाँ जितना इजी हो सके बस उतना ही कर लिया। एक्चुअली सुबह के टाइम इतना बस खाती हूँ तो, और इसके साथ में और क्या बनाऊँ यही समझ में नहीं आता। आज मैं सोची थी कि गोल गोल जैसे हम लोग बैगन फ्राई खाते हैं, तो सोची थी कि फ्राई करूँगी। पेखम बैगन फ्राई नहीं खाती है, वो तो दही भी खाई है राइस के साथ, जैसे वो डेली खाती है, तो मैं सोची थी कि मैं बनाऊँगी, फिर सोची अकेले के लिए क्यों बनाऊँ, तो इसमें मुझे आलस आ जाता है, अकेले के लिए ना बनाना अच्छा नहीं लगता। नील जब घर में रहता है इसीलिए थोड़ा सा बनाती हूँ। तो चलिए मैं लंच कर लेती हूँ तब तक, फिर शाम को मिलेंगे। मैं सोची शाम के टाइम चाय के साथ आप लोगों के साथ बात करूँ। आज देखो ये वाला ना छोटा वाला एक पर्ल का कान का पहनी हूँ। मैं कुछ दिन से ये बिना इयररिंग पहने ब्लॉग कर रही थी, तो मम्मी क्या बोल रही है, मम्मी देखती है ब्लॉग, मम्मी बोल रही है कान बहुत सुना सुना लग रहा है, कान में कुछ पहना कर। तो आज मम्मी कल बोल रही थी, तो आज मैंने ये पहन लिया, अभी मम्मी देख के खुश हो जाएगी कि मम्मी की बात सुन के मैंने कान का पहन लिया। एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जो गोल्ड का इयररिंग पहनती थी ना उसमें वो नीचे एक जैसे क्या बोलते हैं एक बॉल जैसा था, उसमें ये कट गया यहाँ पे, तो इसी कारण मैं वो खोल के रखी हूँ कि ये ठीक हो जाए फिर उसके बाद पहनूँगी। तो वही खोल के रखने के बाद तो भूल ही जाती हूँ, और एक तरह से अच्छा है ये खोल के रखने से, ये सब कान का भी तो यूज़ हो रहा है। अंदर से ना ये जो टूटा फूटा बिस्किट है ना ये ढूंढ ढूंढ के मैं निकालती हूँ, जितना छोटा सा टुकड़ा कुछ हो गया होगा तो वो सब निकाल के एक प्लेट में जमाती हूँ, फिर एक एक करके डुबो के खाती हूँ, ये अच्छा लगता है। कुछ कुछ बचपना गया नहीं है अभी तक। अभी तो इस बार बहुत सारा गोटा है, कभी कभी होता है ना छोटा छोटा टुकड़ा एकदम टूट जाता है, तो मैं वहाँ से जितना टुकड़ा मिलता है सब निकालती हूँ एक एक करके। दो बिस्किट में मेरा क्या होगा, और एक बिस्किट, तीन बिस्किट तो मेरा मिनिमम कंपलसरी है। आज पेखम का स्कूल में ना आज उस लोगों का क्या एक मूवी दिखाएंगे, शायद गवर्नमेंट के कुछ ही ऐसे है, 20 rupees करके लिए थे, बहुत दिन पहले लिए हैं लेकिन आज दिखा रहे हैं क्या, सर्व शिक्षा अभियान करके ऐसा कुछ मूवी, तो देख के आएगी। मेरे को पूछ रही थी मम्मी आप देखे हो क्या मूवी, मैं बोली मैं सब मूवी क्या देख के बैठी हूँ, तुम लोगों के लिए है, तुम देख के आना फिर मुझे स्टोरी बताना। तो आएगी और आके शुरू हो जाएगी पटर पटर एकदम, मम्मा ये हुआ वो हुआ। पेखम का मतलब क्या बताओ, वो बस से मतलब
उतरते उतरते जब तक वो मम्मी को ना बोले उसका मतलब शांति नहीं होता। एक तरह से अच्छा है कि ठीक है, बेटी कुछ छुपाती नहीं है, सब कुछ बोल देती है। और अगले हफ्ते से ना एग्जाम है पिकम का, और घर तो मतलब अभी लग रहा है कि मतलब जो वो लग जाएगा कल तक, मतलब हो जाएगा, फिर मैं बाद में बताऊंगी आप लोगों को, मतलब सब कुछ कंप्लीट हो जाए ना उसके बाद बताती हूँ, क्योंकि इतना सारा घर घूम घूम के मैंने देख लिया, सारा वीडियो नहीं किया, क्योंकि कितना सारा घर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, मतलब आप लोगों को भी कैसा लगेगा कि घर घूम घूम के देख रही है लेकिन चूज़ नहीं हो रहा है, चॉइस में नहीं आ रहा है। तो एक घर है तो हो गया है, लग रहा है मिल जाएगा वो, तो सब मतलब हो जाए फिर आप लोगों के साथ मैं एकदम प्रॉपरली शेयर करूँगी वो बात। तो ऐसा होगा तो नेक्स्ट वीक में पेखम का एग्ज़ाम भी स्टार्ट होगा, नेक्स्ट वीक में फिर मेरा शिफ्टिंग भी स्टार्ट होगा, मतलब कैसे क्या मैनेज करूँगी पता नहीं, सामने है। मतलब मेरे को तो मतलब ये सब सोच सोच के मैं टेंशन में पड़ जाती हूँ, आप लोगों को तो पता ही होगा एग्ज़ाम के नाम से मतलब मेरा टेंशन और बढ़ जाता है। एग्ज़ाम देती है बेटी और टेंशन में मैं चुपचाप बैठी रहती हूँ, कैसा दे रही है, क्या कर रही है, अभी से उसको पढ़ा रही हूँ कि तू रिवीजन दे दे। कुछ दिन ऐसा होगा ना थोड़ा मेसी रहेगा घर, ये सब रहेगा, उसका बुक्स का मैं अलग से बैग लेके अलग से उसका मतलब एक प्रॉपर जगह कर दूंगी कि ठीक है तुम यहाँ पे बैठ के पढ़ लो। फिर भी होता है कि उस टाइम थोड़ा सा बिजी रहेंगे हम लोग भी, 3-4 दिन तो ऐसा ही रहेगा। तो 14th को है उसका एग्ज़ाम, 15th को है, फिर सैटरडे संडे छुट्टी है, तो वो एक आराम है। और ये एग्ज़ाम 20 मार्क्स का है तो इसीलिए थोड़ा सा मतलब रिलीफ है आप लोग बोल सकते हैं। ठीक है अभी मैं चाय पी लूँ, आप लोग भी चाय पी लो। यस, फिर कुछ गलत बोलने जा रही थी मैं उल्टा सीधा। आप लोग भी चाय पी लो, मैं भी चाय पी लेती हूँ, अब पेखम का आने का टाइम हो रहा है। हाँ, और 20 मिनट है, यहाँ से थोड़ा लाइट रिफ्लेक्ट होता है ना घड़ी में तो ठीक से दिखता नहीं है घड़ी, मैं इधर उधर झांक झांक के देखती हूँ। तो है और 20 मिनट है, पेखम आ जाएगी, फिर उसके बाद बताऊंगी कैसा मूवी देख के आई है। देखिए आके पास्ता खा रही है, क्या हुआ आज? मेरे एक फ्रेंड्स में एक, हाँ, वो पूरा 70% पास्ता खा गया। हाँ, और बाकी 30% हम 3 फ्रेंड मिलके खाए। अच्छा, तो इसलिए भूख लग गया। हाँ। वाह, और माफिन्स भी शेयर की ना। हाँ। बस में भी और क्लास में भी। अरे बाप रे, एक माफिन्स को कितना बार शेयर की हो तुमने। और जो मूवी दिखाया देखा ना? हाँ, लेट्स चेंज। हाँ। अच्छा, वो स्वच्छ भारत अभियान के ऊपर है ना? हाँ। अच्छा, तो अच्छा दिखाया। हाँ, ये देखिए दोनों पैर इधर उधर करके कैसे खा रही है, इधर टीवी भी चल रहा है, वो देख के खा रही है। यही है, मैं सोची कि आप लोगों से शेयर करूँ। वो भी बोली कि मैं बोली कि मैं सबको बताई हूँ तुम आज मूवी देख के आई हो तो बताना, तो बोली मूवी से ज़्यादा तो मेरा टिफिन ही सब खा गए। मैं बोली पास्ता है ना तो बच्चों को पसंद आता है, तो ठीक है इसलिए मैं ज़्यादा बनाई थी सुबह, तो अभी गर्म करके दी हूँ। मुझे पता है कि फ्रेंड के साथ वो शेयरिंग चलेगा और उसको कम ही मिलेगा, तो इसीलिए आके बोल रही है मम्मी जल्दी जल्दी पास्ता गर्म करो मुझे पास्ता खाना है, तो इसीलिए अभी खा रही है। तो आज का वीडियो मैं इसी के साथ यहीं पेंट करती हूँ। आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। और इसके साथ टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट।